अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे स्पेशल चिकन मुगलाई की रेसिपी। ये 800 ग्राम चिकन है, मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है 2 से 3 बार। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे मैरिनेट करने के लिए। 2 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 छोटा सा कप दही ऐड करेंगे, 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, आधा नींबू का रस। इन सबको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 घंटे तक मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। जब तक चिकन मैरिनेट होता है, हम यहाँ पर दूसरे इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेंगे। हम यहाँ पर एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल डालेंगे। हम यहाँ पर लेंगे 2 बारीक कटी हुई प्याज और इसे हम फ्राई कर लेंगे। हम यह प्याज को डार्क ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम पे। यहाँ पर देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमें इसे एक जार में डालेंगे, इसको हम ग्राइंड कर लेना है। अब पानी बिल्कुल भी ना डालें, बिना पानी के ही पीसना है। देख सकते हैं मैंने कितना खुरदुरा पीसा है। इसी तरह से आपको भी मिक्सर ग्राइंडर में। और दूसरी तरफ हम यहाँ पर काजू और बादाम को भी ग्राइंड कर लेंगे। इसमें आप पानी डालकर लिक्विड की पेस्ट तैयार कर लीजिए। हम मुगलाई रेसिपी बनाना स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पर एक लेंगे कढ़ाई, इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप ऑयल, 1 फ्लेम को लो ही रखिएगा। हम इसमें ऐड करेंगे रॉ स्पाइसेस, 1 चम्मच शाह जीरा, 1 चकला, 2 से 3 लौंग, 2 से 3 इलायची, 23 पत्ते। ये मसालों को हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे जो मैरिनेट किया हुआ चिकन। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हमें इसे 15 मिनट्स के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे। हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, इसमें गोश्त का पानी छूटेगा, इसलिए हम इसको 15 मिनट्स पकने के लिए छोड़ देंगे कवर करके। 15 मिनट्स हो गए हैं, आप देख सकते हैं गोश्त का पानी कितना छूटा है। हम इसमें ऐड करेंगे प्याज को हमने मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स कर लिया था। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स काजू बादाम का पेस्ट ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सबको। अब हम ऐड करेंगे लास्ट इंग्रेडिएंट्स, 2 से 3 हरी मिर्च लगा लेंगे बीच में और थोड़ा सा 2 कोथमीर और पुदीना ऐड कर लेंगे इसमें। चिकन मुगलाई रेसिपी रेडी हो गई है, आप इसे सर्व कर लीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।